Hello students, today I am going to explain you the types of muscular tissue. Students, हमने पहले muscular tissue के बारे में पढ़ा था कि इस tissue का क्या function है, ये हमारी body में क्या करता है and इसकी structure क्या होती है. तो मैंने आपको बता दिया था कि ये कई सारे fibers से मिलकर बना होता है, small thread-like structures होती है fibers की and muscular tissue का जो function होता है ये हमारी body में locomotion and movement के लिए responsible होता है. इस टिश्यू में जो मसल्स होती हैं, इन्हें हमने फर्दर डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स के अंदर. और ये थ्री पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, इसके बाद आती है स्मूथ मसल एंड थर्ड नंबर इज कार्डियक मसल्स. इन तीनों ही मस्कुलर टिश्यू को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज कॉमन है, तो वो चीज हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहला जो टिश्यू है हमारा वो है स्केलेटल मसल्स. जो स्केलेटल मसल्स होती है इन्हें हम स्ट्रेटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन मसल्स के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड के फॉर्म में स्ट्रेशंस होते हैं. छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो डार्क होती हैं और लाइट होती हैं. ये सारे स्ट्रेशंस इनकी पूरी टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्ट्रेटेड टिश्यू कहते हैं. एंड स्केलेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मसल्स स्केलेटन से अटैच होती है बिल्कुल, तो इसे स्केलेटल कहते हैं. तो पहले हम बात करेंगे इनकी लोकेशन की, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर. जो हमारे लिम्स होते हैं यानी बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स ही होती हैं. और ये मसल्स जो होती है इनकी नेचर जो मैंने लिखी है, दे आर वॉलेंट्री मसल्स. इनको हम वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं. वॉलेंट्री मसल्स इसलिए बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय आर विल. ये हमारी इच्छा से ही कंट्रोल होती है. अगर हम चाह रहे हैं हमारे हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, तो ही हम मूवमेंट करते हैं. तो ये मसल्स हमारी विल से कंट्रोल होती है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं. इन मसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये मैंने बताया ही आपको कि इनमें स्ट्रेशंस होते हैं. आपको मैं डायग्राम में मैं बता रही हूँ, ये स्ट्रेशंस लाइट एंड डार्क लाइंस होती है. एंड सेल्स जो होती है वो अनब्रांच होती है, यानी ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी इनमें. और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वन होता है, यानी ये यूनि न्यूक्लियेट होती है. सेल्स एंड स्ट्रेशंस अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लियेट होती है. इनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं सेल्स के अंदर, तो इन्हें हम मल्टी न्यूक्लियेट कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा होती है. लोकेशन मैंने आपको बताई दी है. दूसरी चीज, इन मसल्स के अंदर आफ्टर सम टाइम दे आर टायर्ड. हम थोड़े टाइम के बाद अगर हम काम कर रहे हैं मसल्स के थ्रू तो हमें थकान हो जाती है और थकान से ये मसल्स काम करना बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इनमें टायर्डनेस मिलेगी आपको. दूसरी मसल्स की बात कर रहे हैं हम, स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आर विल. ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती. तो ये कहां पर होती है, हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, ट्रेकिया हमारा है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ईसोफेगस है, इनकी जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स से ही बनी होती है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपने आप काम करती है. दे आर नेवर टायर्ड, डू नॉट टायर्ड. ये भी कभी टायर्ड नहीं होती, इनमें भी फंक्शन चलता रहता है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है. अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हमेशा आपको ये दिखेगी स्पिंडल शेप होती है. इनका शेप जो होता है स्पिंडल होता है, यानी टेपरिंग एट द एंड. आप इनके एंड्स देख रहे हैं, दे आर नेरो. इनके एंड्स जो होते हैं वो नेरो होते हैं. ये यूनि न्यूक्लियेट होती है और अनब्रांच होती है और इनमें स्पिंडल शेप मिलेगी आपको. ये मसल्स इनवॉलेंट्री है नेचर में और ये ब्लड वेसल्स ट्रेकिया में मिलेगी आपको. थर्ड जो आती है मसल वो हमारी सबसे स्ट्रांग मसल्स हैं, कार्डियक मसल, जो कि सिर्फ हार्ट के अंदर ही आपको मिलेंगी. एंड इन मसल्स की स्पेशलिटी है दे डू नॉट टायर. ये कभी भी टायर्ड नहीं होती और हमारी पूरी बॉडी की सबसे स्ट्रांग मसल ही हमारी हार्ट मसल्स होती है. इसकी एक और स्पेशलिटी है, ये ऑटो एक्साइटेबल होती है, यानी इसके अंदर जो इम्पल्सेस होंगी वो ऑटोमेटिक हार्ट से ही बनती हैं और फिर पूरी हार्ट के अंदर स्प्रेड हो जाती है. यानी इसको इसमें ब्रेन का कोई कंट्रोलिंग नहीं होता, इनकी कंट्रोलिंग हार्ट के अंदर ही होती है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं दे आर ऑटो एक्साइटेबल. और इनमें हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑल द टाइम यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है एंड मायोग्लोब्यूलिन इनके अंदर जो है पिगमेंट मिलता है. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये वाली जो मसल्स होती है ये ब्रांच होती है. ब्रांच होने के साथ ये यूनि न्यूक्लियेट होती है. एक स्पेशलिटी और होती है इन सेल्स की, इन सेल्स के बीच बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है. इन डिस्क को हम देखें, यहाँ पे इस तरह की डिस्क होती है. इन डिस्क को हम इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जानते हैं और ये डिस्क क्या करती है, जो भी इम्पल्सेस होती है एक सेल से दूसरे सेल में
है स्प्रेड करने का काम करती है, यानी कम्युनिकेशन जो होता है इन इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू होता है। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू है जिसमें ये थ्री टाइप की हमने मसल्स पढ़ी है जिनके फंक्शंस जो है वो एक ही है, मूवमेंट से रिलेटेड है, बट इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है एंड इनके लोकेशन अलग अलग होते हैं। अब एनिमल टिश्यू में हमारा जो लास्ट टिश्यू रहता है दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आप वैसे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी लेंगे नर्वस टिश्यू का। फोर्थ टिश्यू जो था हमारा नर्वस टिश्यू था, और ये जो टिश्यू होता है ये दो तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है। देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, जो फर्स्ट है जो कि इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज न्यूरोन, इन्हें हम न्यूरोन या नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरी सेल होती है दे आर नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है इनकी नेचर अलग होती है, इनके फंक्शन भी थोड़े अलग होते हैं। आप ये समझिए कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं इनमें ये फिलर का काम करती है, यानी ये पैकेजिंग का काम करती है। तो इनकी स्पेशलिटी होती है दे आर नॉन नर्वस, इनकी नेचर नॉन नर्वस होती है, यानी ये मैसेजेस को कन्वे या इम्पल्सेस को सेंड करने का काम नहीं करती है, यानी नर्वस टिश्यू जैसा फंक्शन इनका नहीं होता। दे आर नॉन नर्वस, सपोर्टिंग होती है एंड पैकेजिंग करती है, बीच बीच में जो फिलर्स की तरह ये वर्क करेगी। और इनकी जो नंबर्स होते हैं वो 10 टाइम मोर देन न्यूरोन। न्यूरॉन के नंबर से ये 10 टाइम ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा है क्योंकि ये न्यूरॉन के बीच बीच में फिलर का काम करती है, 10 टाइम मोर देन न्यूरॉन। नॉन नर्वस से सपोर्टिंग है, पैकेजिंग का काम करती है। और न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, यानी ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करना, इनको प्रॉपर सप्लाई करना न्यूट्रिशन की, वो काम किसका होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स का ही होता है, यानी ये न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन का काम करती है और बीच बीच में न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन की, न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल सा बिल्कुल इसका डायग्राम से ही इसको हम समझते हैं। न्यूरॉन के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, स्पेशली दो पार्ट होते हैं, हम इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो साइटोन एंड दूसरा होता है इनमें फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, स्मॉल फाइबर और एक लॉन्ग फाइबर। जो लॉन्ग फाइबर होता है इसे हम एक्सोन कहते हैं एंड जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली इनके टू मेन पार्ट है, एक तो मेन जो सेल बॉडी होती है वो साइटोन होती है और दूसरे इसमें फाइबर्स होते हैं दो तरह के, लॉन्ग एंड जो लार्ज फाइबर्स होता है वो एक ही होता है दैट इज एक्सोन। एंड बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो साइटोन पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है इम्पल्सेस को रिसीव करना, फिर इम्पल्सेस साइटोन से एक्सोन में होती हुई नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाती है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स, इसे हम सिनेप्स कहते हैं। और ये सिनेप्स जो होता है वो मैसेजेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कन्वे करता है, यानी उनके बीच में मिड पार्ट होता है ये। तो न्यूरॉन्स का काम भी क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस टिश्यू की। इसका काम होता है इम्पल्सेस को सेंड करना। ये सारी इम्पल्सेस जो होती है ये ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से इम्पल्सेस कहाँ आती है, बाहर आती है। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो एक सिंपल सा डायग्राम यहां पर आपको मैं बताऊंगी, इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। न्यूरॉन का डायग्राम आपने पहले भी पढ़ा है और इसको बाद में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये साइटोन है जिसे हम मेन सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप जानते हैं कि इनका काम बहुत फास्ट होता है, जो इम्पल्सेस होती है हमारी बॉडी में सबसे फास्ट जाती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की और इम्पल्सेस को इतना फास्ट भेजने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा न्यूरॉन में माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये इनके डेंड्राइट्स होते हैं जो कि शॉर्ट फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं और एक लॉन्ग फाइबर आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एक्सोन, और यहां पर ये चीज जो है इट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग, इसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं। इनके ऊपर एक शीट होता है, एक कवर होता है जिसे माइलिन शीट के नाम से जानते हैं एंड यहां पर
स्पेशल टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती है जिन्हें हम श्वान सेल के नाम से जानते हैं। इन नर्व एंडिंग में छोटे छोटे लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। दे आर नोन एज सिनेप्टिक नोब। ये सिनेप्टिक नोब्स होती है जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्म होते हैं, और ये सब्सटेंसेस ही इम्पल्सेस को कन्वे करते हैं नेक्स्ट न्यूरोन में, क्योंकि इस न्यूरोन के बाद जस्ट दूसरा न्यूरोन यहाँ पर आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा इस गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। तो इन इम्पल्सेस को यहां से इस न्यूरोन में सेंड करने के लिए कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंटिन्यूटी किससे बनी रहती है? ये सिनेप्टिक नोब्स होते हैं जिनसे सीक्रेशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, और ये केमिकल ही इम्पल्सेस को एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में क्या करता है? सेंड करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन, जो फंक्शनल यूनिट है। मेन वर्क क्या होता है नर्वस टिश्यू का? ये हमारे पूरे फंक्शन बॉडी के कोऑर्डिनेट करता है, यानी जो भी इम्पल्सेस है आपकी बॉडी की वो ब्रेन से, और ब्रेन से यहां तक ऑर्गन्स में, ऑर्गन से ब्रेन तक इसी के थ्रू जाती है। नेक्स्ट अब हम जो इसका पार्ट है न्यूरॉन का, बहुत डिटेल पार्ट हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।